नमस्कार श्रोताओं, आपका आज के इस बेहतरीन कार्यक्रम में स्वागत अभिनंदन करते हैं। म्यूज टेम्पल ने आज की ये शाम खास आपके लिए सजाई है। आज है 8 सितंबर। आज ही के दिन हिंदुस्तानी की जानी मानी पार्श्व गायिका आशा भोसले का जन्मदिन है। उनके गाए कुछ गीतों के माध्यम से आज हम उन्हें शुभकामनाएं दे रहे हैं। उनके गाए गीत इन फिजाओं में गूंज रहे हैं और गूंजते रहेंगे। तो आइए उनका गाया एक बेहतरीन गीत जीवा फिल्म से आपके बीच में पेश कर रही हैं नूपुर कौशल, और आज के इस कार्यक्रम के संगीत नियोजक हैं दीपेश जैन, और मैं आपके बीच में मोना ठाकुर। आइए आगाज करते हैं। आइए दोस्तों अगले गीत की तरफ चलते हैं। महाराष्ट्र के सांगली में आशा जी का जन्म हुआ था। आशा जी को संगीत की शिक्षा अपने पिताश्री से मिली और पूरे परिवार में एक संगीत का माहौल था। आप सभी जानते हैं उनकी बड़ी बहन भारत रत्न लता मंगेशकर, उनके भाई पंडित हृदयनाथ मंगेशकर। परिवार में बचपन से ही उन्होंने गाना बजाना देखा और बस
तब से ही अपने मन में बैठा लिया था कि उन्हें भी एक दिन इस भारत देश में, इस भारत देश के बाहर अपना नाम करना है। अगले गीत में हम ओपी नैयर साहब का बेहतरीन संगीत ले रहे हैं, एस एच बिहारी की शब्द रचना है, और इसमें आपको समझ आएगा कि आशा भोसले की आवाज़ में क्या गूंज है, क्या शक्ति है और क्या कहर बरपाने की क्षमता है। बिल्कुल आशा जी की आवाज़ ऐसी लगती है जैसे कि शरबत में हम जिस तरह से शक्कर को घोल देते हैं और वो एकदम मिठास हमें देता है, बस आशा जी की आवाज़ बिल्कुल उसी मिठास जैसी है। आइए सुनते हैं इस बेहतरीन गीत को नुपुर कौशल की आवाज़ में। दोस्तों, मास्टर दीनानाथ मंगेशकर की विरासत का प्रतिनिधित्व करती है आशा भोसले की सुमधुर आवाज़। उन्होंने हिंदी के अलावा मराठी, बंगाली, गुजराती, मलयालम, रूसी, अंग्रेज़ी, न जाने कितने ही भाषाओं में गीत गाए हैं और वो सभी गीत अमर हैं। अगले गीत की तरफ चलते हैं। उस गीत को मजरूह सुल्तानपुरी ने लिखा और एसडी बर्मन ने संगीतबद्ध किया। ज्वेलती फिल्म का वो बेहतरीन गीत आशा भोसले की आवाज़ में और आज के इस कार्यक्रम का ये टाइटल सॉन्ग। रात अकेली है, बुझ गई दिए, आके मेरे चाहे कहिए, जो भी चाहे
दोस्तों शास्त्रीय संगीत हो, गजल हो, पॉप सॉन्ग हो, आशा भोसले ने हर क्षेत्र में अपनी आवाज का जादू बिखेरा। शुरुआती दौर में उन्होंने बी और सी ग्रेड की फिल्मों से भी शुरुआत की और कोरस में भी गाया। काफी संघर्ष करना पड़ा उन्हें अपनी जगह स्थापित करने के लिए, पर नया दौर फिल्म जब आई और मोहम्मद रफ़ी के साथ उन्होंने उस फिल्म के कुछ गीत गाए तो हिंदुस्तान में रातों रात मशहूर हो गई। और बस तब से आशा भोसले की आवाज़ इस हिंदुस्तान में गूंज रही है और गूंजती रहेगी। आज के उनके जन्मदिन पर एक बार फिर से हम उन्हें शुभकामनाएं देते हैं। तो चलिए अगले गीत की तरफ चलते हैं। नूपुर कौशल आप सभी के बीच में। आशा भोसले की आवाज़ में पूर्णता है, सूक्ष्मता है, भाव का सघन निर्माण करने की क्षमता है और यही बात उन्हें एक महान पार्श्व गायिका बनाती है। अब आज के इस कार्यक्रम का अंतिम गीत हम आपकी नज़र कर रहे हैं। आपके बीच में वही नूपुर कौशल, मोना ठाकुर और
म्यूज टेम्पल के संस्थापक दीपेश जैन, एक बार फिर से हम आशा जी को उनके जन्मदिन पर अनंत शुभकामनाएं देते हैं। शिकार खुद यहाँ शिकार हो।